दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानेंगे कि फेसबुक ग्रुप में शेयरिंग करने का सही तरीका क्या है। अगर आप अधिक शेयर कर देते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, या आपका वीडियो ब्लॉक हो जाता है, या तो आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग ही पड़ी रहती है, या आप पब्लिक ग्रुप ढूंढे नहीं पाते हैं, या आप रेंट पे अगर ग्रुप खरीदते हैं तो कौन से ग्रुप लेना चाहिए। आप इन सब चीजों को जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा और वीडियो के अंत तक बने रहेगा, नहीं तो आप इस जानकारी से दोस्तों वंचित रह जाएंगे। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद आज तक कोई YouTube की दुनिया में नहीं बताया और ना ही आपने किसी वीडियो में देखा होगा, क्योंकि खुद की आजमाई हुई आज मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक के द्वारा आपका वीडियो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। एवं आपका वीडियो Facebook ब्लॉक क्यों करता है? भाई Facebook नहीं ब्लॉक करता है, वो कौन ब्लॉक करता है, क्यों ब्लॉक होता है, यही तरीका आपको इस वीडियो में हम कहीं ना कहीं बता देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप में शेयरिंग करने की। तो सबसे पहले हम दोस्तों Facebook को अपने ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फेसबुक अकाउंट ओपन कर लिया। बाय द वे ये आपकी आईडी होती है। अब ये आईडी होती है, इसमें आपने क्या किया होता है, वीडियोस को डाल रखा होता है। अब वीडियोस को भैया डाल रखा होता है, आप चाहते हैं कि शेयरिंग करें और आपके वीडियो पर व्यू आए। जी हाँ दोस्तों, हर कोई चाहता है, लेकिन आपको शेयरिंग किस तरीके से करना है ताकि आपके वीडियोस पे व्यू आए और आपकी आईडी भी ब्लॉक ना हो। शायद आपको ये बात नहीं पता है कि आपकी आईडी भी 180 दिन के लिए सस्पेंड कर दी जाती है, या तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो भैया ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन पहले आप जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो क्यों ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईडी ब्लॉक क्यों होती है। तो आईडी इसलिए ब्लॉक होती है, आपका अकाउंट अगर नया होता है तो आप अगर 10 या 20 शेयरिंग एक साथ में कर देते हैं, आपकी आईडी को पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद में अगर फिर से शेयर कर देते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, ओपन भी हो जाती है। वो तरीका आपको बाद में बताऊंगा वीडियो का लास्ट में, पहले आप जान लीजिए ब्लॉक क्यों होती है। ये तो आपके समझ में आ गया। अगर आप शेयरिंग करते हैं, बाय द वे ये वीडियोस है आपका, ये हालांकि आपका वीडियो नहीं किसी का भी वीडियो है, इस वीडियो को हम शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेंजर है, या यहाँ पर हम किसी भी ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम इन ग्रुप में एक बार में सारे के सारे हम शेयर कर देते हैं सिलेक्ट करके, तो क्या होता है भैया, हमारी आईडी पक्का 100% आईडी हमारी सस्पेंड हो जाएगी। तो आपको पुरानी आईडी से शेयरिंग करना है। अगर आपके पास कोई ओल्ड आईडी है ना, तो उस आईडी से अगर आप शेयरिंग करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 पोस्ट को कर सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती, आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होती। लेकिन अगर आप न्यू आईडी बनाते हैं, अगर 20 लोगों को भी आपने शेयर कर दिया ना, तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं शेयरिंग भैया हमको कहां करनी चाहिए, अपने दोस्तों को शेयर करनी चाहिए या कहीं दूसरी जगह शेयर करनी चाहिए, या ग्रुप में शेयर करना चाहिए। अगर ग्रुप में शेयर करना चाहिए तो कौन से ग्रुप में शेयर करना चाहिए और कैसे शेयर करना चाहिए ताकि आपके वीडियोस पे बहुत सारा व्यू आए। तो हम बात कर लेते हैं भैया ग्रुप की। अगर ग्रुप में शेयरिंग करते हैं तो यहां पर हम पहले चलते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्रुप में चलते हैं, यहां पर थोड़ा बैक हो लेते हैं। यहां पर आपको क्लिक करना है इस थ्री लाइन पे, फिर उसके बाद में यहां पर एक ऑप्शन भाई दिखाई दे रहा होगा आपको ग्रुप वाला, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एक ग्रुप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर क्या कर लेना, आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं भैया, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप यहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और ग्रुप कितने अवेलेबल हैं, यहां पर देख सकते हैं हमारे पास कितने 549 ग्रुप अवेलेबल हैं। ये आपके पास भी हो सकते हैं, और कैसे मिलेंगे फ्री में वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। एवं अगर आप रेंट पे परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस की हमारे डिमांड थी कि सर मुझे रेंट पे ग्रुप लेना है, क्योंकि रेंट वाले ग्रुप का थोड़ा चार्ज महंगा हो गया है, इसलिए हम बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडिकेटेड, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमको कैसे शेयरिंग करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके पैसे भी ना लगे, भाई अगर कोई न्यू क्रिएटर है ना तो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि रेंट वाले ग्रुप बहुत ही महंगे होते। तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप फ्री वाले ग्रुप से शेयरिंग करके अच्छे खासे व्यू पा सकते हैं और आईडी भी ब्लॉक नहीं होगी। उसके लिए क्या करना होगा वो पहले जान लो, उसके बाद में रेंट पे हम डेडिकेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, तो आपको ग्रुप यहां पर सर्च करना है, यहां पर सर्च बार में जाना है, ठीक है।
अब सर्च बार में जाना है तो यहां पर आपको लिखना क्या पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं। आप जिस कैटेगरी के वीडियोस बनाते हैं, बाय द वे आप मूवी के वीडियोस बनाते हैं या कोई सीरियल बनाते हैं या 18 प्लस कंटेंट पे काम करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो 18 प्लस पे काम करके भैया व्यू तो छाप देते हैं और फॉलोअर तो बटोर ही नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को अपने देखा कि भाई 18 प्लस में मेरे जितने सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूं 80% प्लस कंटेंट पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब यहां पर हम सर्च कर लेंगे भैया मूवी क्लिप। यहां पर जैसे हमने डाला मूवी क्लिप, फिर उसके बाद में सर्च कर देना है, यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे यहां पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपके सामने बहुत सारे जो है ग्रुप्स यहां पर अवेलेबल, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर। अब भैया आपको ग्रुप कौन से सिलेक्ट करने हैं। बाय द वे ये वाला ग्रुप है आपको पसंद आ गया, इसको हम क्लिक करते हैं। अगर आप कोई भी ग्रुप देखेंगे, अगर 100K से प्लस जाएंगे तो अधिकतर आपको ग्रुप में वीडियो जब पोस्ट करेंगे तो आपकी पोस्ट पेंडिंग रहेगी, वो नहीं रहना चाहिए। कैसे नहीं रहना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। यहां पर अगर रिक्वेस्टेड का ऑप्शन आता है, इसका मतलब है कि इस ग्रुप में आप ज्वाइन तभी होएंगे जब इसका एडमिन आपको अप्रूव करेगा, चाहेगा तब। तो भैया ये ग्रुप हमारे लिए नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा यहां पर क्लिक कर लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक बार हम क्लिक करते हैं। तो यहां पर जैसे क्लिक करते हैं, हम ज्वाइन पे क्लिक कर दिए, ठीक है। जैसे हम ज्वाइन पे क्लिक किए तो हम ग्रुप में ज्वाइन हो गए। एक बार व्यू पे क्लिक करेंगे। अब व्यू पे क्लिक करने के बाद में हम कैसे जानेंगे कि ये ग्रुप पब्लिक वाला है, यानी हर कोई इस ग्रुप में पोस्ट को पोस्ट कर सकता है। तो आपको यहां पर सर्च बार में जाना है, ठीक है। यहां पर लिखा है राइट समथिंग, यहां पर सर्च बार में जाना है, यहां पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, अगर यहां पर लिखकर आ रहा है कि सबमिट ए पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल, इसका मतलब है कि अगर आप इसमें पोस्ट करेंगे तो आपका वीडियो बगैर एडमिन के परमिशन के पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आपके आ गई होगी। तो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने में भैया कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे लोग रेंट पे ग्रुप देते हैं जिनका चार्ज बहुत ही महंगा लगाते हैं। तो आपको ऐसे ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, ऐसे ग्रुप को सबसे पहले आपको क्या कर देना है, अनज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहां पर क्लिक करके आपको लीव कर देना है, इस ग्रुप से हमारा कोई फायदा नहीं तो हम इसको भैया नहीं रखेंगे। अब फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 4000 वाला है। तो 4000 वाले जैसे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया, यहां पर देख सकते हैं इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हम ग्रुप को फाइंड करेंगे। यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं। बाय द वे ए वाला ग्रुप है, मैं छोटा ग्रुप इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको उसमें ऑप्शन मिल जाए, बड़े बड़े ग्रुप में भी मिल जाएगा लेकिन आपको वहां पर सर्च करना पड़ेगा। यहां पर मैंने क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद में यहां पर जैसे क्लिक किया, अब यहां पर देख सकते हैं अगर इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए पब्लिक पोस्ट, इसका मतलब है कि आप इस ग्रुप में शेयरिंग कर सकते हैं और आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा और जितनी भी ऑडियंस यानी कि जितने भी मेंबर इस ग्रुप में हैं वो सारे के सारे आपके वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आपके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है। आज भी आपके वीडियो पे 100 लाइक आ गया, खूब 1000 लोगों को रिकमेंड कर देगा, उसमें से 2-4 लोग तो देख लेंगे, 50 लोग तो देख लेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप मिलियंस वाले ही ग्रुप में जाइए, भैया हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि आप मिलियन वाले ग्रुप में जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जाना चाहते या नहीं जाना चाहते। अगर आपको मिलियन वाली हम बात करें तो फ्री में भैया बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको 100K 200K तक मिल सकता है, वो भी आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आप चाहते फ्री में मिल जाए, भैया फ्री में भी हम अवेलेबल कराते हैं, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, आपको वहां पर फ्री में अवेलेबल करा देता हूं। जो मेरे पास ग्रुप्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर तो बात होगी, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जैसे ही आप कोई पोस्ट करेंगे, यहां पर जैसे मैंने हाय लिख दिया, फिर उसके बाद में यहां से हम क्या कर देंगे, पोस्ट करेंगे। जैसे हमने पोस्ट किया तो यहां पर देख सकते हैं ये पोस्ट हमारी पोस्ट हो चुकी है, इसका मतलब है इस ग्रुप में कोई भी दिक्कत अब नहीं है। हमने यहां पर सर्च कर लिया, फिर उसके बाद में पोस्ट किया, इसका मतलब इस ग्रुप में हम पोस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए ग्रुप अच्छा है। तो इस तरीके से आप ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी आईडी जो होती है उसका वीडियो ही ब्लॉक हो जाता है अगर आप शेयरिंग करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के हमारे पास कमेंट्स आए कि सर मेरा वीडियो ब्लॉक हो गया। भैया वीडियो क्यों ब्लॉक होता है, उसका बहुत बड़ा रीजन है जो आपको शायद कोई नहीं बताया होगा। अगर आप किसी भी ग्रुप में वीडियो को डालते हैं यानी कि शेयर करते हैं, 2-4 आईडीज करें या 10 आईडीज करें, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने किस किस ग्रुप में
कौन कौन सा वीडियो शेयर किया है। अगर आपके वीडियो पे मिलियन आप व्यू चला जाता है या 500-600 के तक चला जाता है, तो आपको सबसे पहले उस ग्रुप से आपको वीडियो को रिमूव कर देना है, यानी कि हटा देना है। बाय द वे, ए वाली पोस्ट हमने की है, अब उसको हटाना कैसे और क्यों हटाना है उस पे भी आपको थोड़ा बताऊंगा और चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको हटाना कैसे, ये भी तो आप जान लीजिए, हटाना कैसे। इस ग्रुप में हमने इस वाली पोस्ट को पोस्ट कर रखा है, ठीक है। अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, यहां से आप इसको करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको यहां पर क्लिक करना है 3 डॉट पे, फिर उसके बाद में आपको यहां पर जाना है 3 बिंदी पे, फिर उसके बाद में 3 बिंदी पे आने के बाद में यहां पर आपको क्लिक करना है मैनेज योर कंटेंट पे। मैनेज योर कंटेंट पे क्लिक करेंगे यहां पर आपकी पोस्ट जो है दिख जाएगी। वैसे आप बिल्कुल भी ढूंढे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बड़े ग्रुप में अगर चले गए, 1-2 लाख मेंबर है, या बाय द वे आप मिलियंस में भी है, बाय द वे आपने रेंट पे भी लिया है, तब भी आपको इस चीज को ध्यान देना है। आपको कोई भैया यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि आज की डेट में आपका भला कोई चाहता नहीं, समझ गए। ऐसा होता है अधिकतर, जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपका भाई सब कुछ बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि इन सभी चीजों से हम गुजरे हुए, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेरे द्वारा बताए गए रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको अर्निंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपको अपने टैलेंट को बाहर निकालने की जरूरत है। केवल आप बाहर निकालिए एवं अपने इस खोपड़ी का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, आप 100% सक्सेस हो जाएंगे, इसमें आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, 3 बिंदी पे क्लिक करके आपको पोस्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना है। अब भैया ये पोस्ट डिलीट क्यों करना है? अगर अधिकतर आपकी पोस्ट वायरल हो रही होती, मैंने अक्सर देखा है उस ग्रुप में जितने एडमिन होते हैं, अब एडमिन की आईडी तो भैया पुरानी पुरानी होती, वो लोग मिलकर के आईडी पर रिपोर्ट कर देते हैं, समझ गए चीज को। वो इसलिए रिपोर्ट कर देते हैं क्योंकि आपका कंटेंट ज्यादा चल ना पाए, और अगर ऐसे होगा चल नहीं पाएगा ना, अगर आपने डाला वीडियो नहीं चल पाएगा तो भाई आप अर्निंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको रास नहीं आता है, मैंने अक्सर देखा है। मैंने एक बात कैसे किए भाई, मैंने फेसबुक टीम से बात की है, ठीक है, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार बात की, जब वीडियो ब्लॉक वाले बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए, फेसबुक टीम से मैंने बात की, तो वहां से भाई पता चला इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी आईडी पर रिपोर्ट लगी है, और 10-10 आईडी से रिपोर्ट आई है, इस ग्रुप में आपने गलत पोस्ट की थी। बताइए भाई, गलत पोस्ट करते नहीं है फिर भी, क्योंकि फेसबुक का सिस्टम इस चीज को चेक करता है, और कोई वहां पर बैठ करके नहीं चेक करता, सिस्टम चेक करता है, उसके बाद में रिव्यू में अगर आप भेजते हैं तो वहां की टीम जो है चेक करती है। अगर वीडियो ब्लॉक कर दिया गया है तो आप रिव्यू में भेजिए, अगर रिव्यू में वीडियो को भेजते हैं तो 99% मैं कहता हूं कि वीडियो को फिर से अनब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत, अगर आपका वीडियो वायरल होने लगता है, बाय द वे मिलियंस में पहुंच गया, आपका वीडियो ब्लॉक नहीं हुआ है, 500 के पहुंच गया ब्लॉक नहीं हुआ है, आप तुरंत ही वीडियो को वहां से डिलीट कर दीजिए, ताकि एडमिन जो है वहां से रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा है। बाय द वे अगर मिलियंस में व्यू चला गया तो अगर आप वहां से निकाल लेंगे फिर भी आपका वीडियो वायरल होगा, 100% वायरल होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। तो इस चीज पे आपको ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके वीडियो पे भाई मिलियन में व्यू 100% जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रुप कौन सा अच्छा होता है, फ्री वाला या रेंटेड वाला। तो फ्री वाले की अगर बात करें तो भाई फ्री वाले ग्रुप बहुत कम मिलते हैं, और रेंटेड वाले की बात करें तो रेंटेड वाले बहुत महंगे मिलते हैं। तो रेंटेड वाले ग्रुप अगर आप लोग चाहते हैं फ्री वाले, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे जाइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो लीजिएगा, वहां पर मैं फ्री वाले प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी फ्री वाले हैं, क्योंकि फ्री वाले में रीच थोड़ा कम होती, व्यू कम आता है, लाइक कम आता है, और रेंटेड वाले में भाई भर भर के व्यू आता है, मिलियन में व्यू आता है। अगर आप चाहते हैं कि रेंटेड ग्रुप आप परचेज करें, हम ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप रेंटेड ग्रुप परचेज करें, और ना ही हमारा ये वीडियो किसी ग्रुप के लिए है, ठीक है, ये वीडियो सिर्फ हमारी पर्सनल राय से है, मैं आपको बता रहा हूं मेरी ऑडियंस जो है डिमांड कर रहे, इसलिए वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और ना ही मैं इस वीडियो का बनाने का किसी से चार्ज ले रहा हूं, सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए बना रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि रेंटेड ग्रुप जो है आप लें, तो रेंटेड ग्रुप की मेरे पास लिस्ट भी है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हमारे पास दोस्तों बहुत सारी लिस्ट है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा उन ग्रुप्स की, अगर उनमें से कोई ग्रुप पसंद आता है आपको तो चार्ज बहुत महंगा है। चार्ज की अगर बात करें भाई तो 1500 रुपए पर मिलियन चार्ज है, यानी कि 1 मिलियन अगर आप लेते हैं ग्रुप,
एक मिलियन वाला तो 1500 रुपए चार्ज है, अगर 2 मिलियन वाला लेते हैं तो 3000 रुपए चार्ज है, 3 मिलियन वाला अगर लेते हैं तो 4500 रुपए चार्ज है। और एक दिन में आप 3 से 4 वीडियो पोस्ट कर सकेंगे। ये चार्ज 1 महीना का है, 1 महीने तक आप उस ग्रुप में रह करके अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, अगर आप एग्री हैं तो ही मैसेज कीजिएगा, नहीं तो मैसेज मुझे नहीं कीजिएगा क्योंकि मैसेज हमारे पास बहुत सारे आते हैं। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 100% आपका भाई विद कॉल सपोर्ट करता है, जो आपको यूट्यूब या फेसबुक पे कोई नहीं करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अगर रेंट ग्रुप से रिलेटेड तो आपको लेना है तो ही मैसेज करना, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो उन ग्रुप में जाकर के आप चेक कर सकते हैं रीच कितनी है, व्यू कितना आ रहा है, लाइक कितना आ रहा है, तो इस तरीके से आप चेक करके मुझे बता सकते हैं। अब आप ग्रुप कौन सा लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो रेंटेड वाला भी ले सकते हैं। हम ये आपको पर्सनली ये नहीं कह रहे कि आप रेंटेड वाला ही लीजिए तभी वायरल होंगे, ये कोई जरूरी नहीं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि हमारे वीडियोज का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।